दोस्तों, ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको ओशियन के अंदर डाइव करना था, यह सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मौजूद है और इसी पॉइंट पर ठंडा पानी के नीचे ओशियन की गहराइयों में टाइटेनिक का शिप भी मौजूद है। दोस्तों, सैटरडे 17 जून 2023 को यह सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बताते चले कि डाइव से पहले टाइटन में एक प्रॉब्लम नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशियन में उतार दिया गया था। तो वो क्या मसला था और आखिर पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मोल लिया गया? दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह कंटेंट देखने के लिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आखिर तक वीडियो को देखते रहिए। इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हार्नेस हेडिंग भी मौजूद थे। दूसरे नंबर पर डॉक्टर रश, जो ओशियन गेट के सीईओ भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशियन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल बनाती है। तीसरे नंबर पर 77 साल पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटेनिक को विजिट किया था। ये शिपरेट के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटेनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तान बिजनेस टाइकून शाहजादा दाऊद अपने बेटे सुल्तान के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को ड्राइव करने से पहले हार्नेस होर्डिंग ने इंटरनेट पे अपना आखिरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि बहुत सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर जमाना टाइटेनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिश जारी रही। 1985 में जाकर आखिरकार ओशियन फ्लोर पे आरएमएस टाइटेनिक का मलबा मिल ही गया। इसके बाद 1997 में टाइटेनिक मूवी रिलीज की गई। मूवी देखने के बाद टाइटेनिक के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाहिश बन गया था। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि शिप साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू कर दिए थे। कहा जाता है कि ओशियन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटेनिक शिप एक समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देखें और समझ लें कि टाइटेनिक का मलबा समंदर में करीब 5 टाइम्स बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 यानी कि 50 लाख PSI होता है। उतना ही प्रेशर होगा कि एक इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं बल्कि सिर्फ एक स्क्वायर इंच के हिस्सा पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए तो उतना प्रेशर होता है। अब आप अंदाजा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे तो उस पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। वेल, संडे 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटेनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगता है, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, जो के ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से रابطہ टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटेनिक तक पहुंचने में लगे तो सिर्फ 15 मिनट पहले रابطہ टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटेनिक के काफी करीब पहुंच चुकी होगी। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ हर वक्त बहुत ज्यादा सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटे का था। 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटेनिक से कोई कॉन्टेक्ट ना हुआ और ना ही वो वापस लौटे तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटने शुरू हो गए। 9:40 पे उन्होंने US कोस्ट गार्ड से मदद मांगी। अगले दिन मंडे को US और कनाडा शिप और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि मशीन की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। फौरन ROVs को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटेनिक की कोई खबर ना मिली। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरोहीज को टाइटेनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:48 PM पर आरोही, जो कि टाइटेनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन की दुम का एक हिस्सा टाइटेनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। जो देखने गई थी टाइटेनिक के मलबे को, अब उसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और समंदर की गहराइयों में ही फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल सी मचा दी थी। ओशियन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए गए। ओशियन गेट के सीईओ स्कॉटन रश, जो कि खुद इस हादसा में अपनी जान गवा बैठे हैं, उन्होंने 2021 में कहा था कि
वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया था, पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशन करना चाहते थे। तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10000 PSI के प्रेशर पे टेस्ट भी किया गया था, जिसमें वो पास हो गई थी। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें न सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर समुद्री मखलूक सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो, टाइटन की तबाही की एक वजह तो इसका कार्बन फाइबर का हाल था, लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स थे। जी हाँ, टाइटन सबमरीन 2019 में कार्ल स्टेनिल नामी एक बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी, और उस वक्त भी उसको ओशन गेट के CEO ही ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि उस सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी। उस वक्त इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ओशन गेट CEO जिन्होंने खुद यह सबमरीन डिजाइन की थी उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद वो आवाज इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले से शुरू हो गए थे। 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि ये मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिलीसेकंड्स पहले पता पड़ेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड्स लगे होंगे, जो कि एक इंसान को मौत का भी दर्द नहीं महसूस हुआ होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।